सबसे पहले तो आप लोगों का यहाँ स्वागत है। इससे पहले मेरी पोस्टिंग पुनाना डिस्ट्रिक्ट नो में थी, उसके बाद यहाँ टोहाना में काम करने का मौका मिला है, जो यहाँ पर मेरी पहली पोस्टिंग है। और सबसे पहले आम जनता को ये सुझाव देता हूँ, आप किसी के बहकाव में आके, किसी की बातों में आके कोई गलत काम ना करें। और सबसे प्रायोरिटी मेरी काम करने की यही रहेगी, शहर या गांव में कोई भी NDPS एक्साइज एक्ट का कोई भी अनलीगल कोई भी काम होगा वो नहीं करने दिया जाएगा। और अभी मैंने एरिया देखा नहीं है, एक दो दिन में सारा एरिया को देख के शहर में घूम के जहाँ भी एनक्रोचमेंट वगैरह की परेशानी होगी उसको भी दूर कराएगा। इसमें अभी जल्दी हम SHO इंचार्ज और CIA की एक संयुक्त हम मीटिंग लेने जा रहे हैं, उसमें हम उनको डायरेक्शन देंगे सरप्राइज चेकिंग, और जो पिछले जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड है चोरी का उसको हम इंटरोगेट करके पूछताछ करेंगे और चोरी पर पूरा अंकुश लगाएंगे। इसमें स्वाभाविक बात है, साथ में ये पंजाब दूसरा स्टेट लगता है और NDPS का पंजाब में ज़्यादा प्रचलन है, उसके साथ साथ हमारा ये फतेहाबाद ज़िला भी है। उसमें हम समय समय पर नाके लगाकर और गुप्त सूत्रों से पता करके NDPS को बिल्कुल जड़ से मिटा देंगे। और सभी से मेरी अपील है, इसमें सभी आमजन का अगर हमें सहयोग मिलेगा तो हमें थोड़ी आसानी होगी। इसमें सबसे पहले तो शहर की विजिट करके जहाँ जहाँ ये लगेगा ट्रैफिक का या पुलिस का कोई कर्मचारी अगर ड्यूटी लगानी पड़े तो वही भी लगाएंगे, और एनक्रोचमेंट जहाँ भी होगी नगर पालिका है ना यहाँ पे, तो नगर पालिका हाँ नगर परिषद उनको साथ लेके एनक्रोचमेंट को दूर किया जाए। ये अभी मेरे संज्ञान में बात आई है, कई ढाबों में होटलों में भी अनलीगली शराब पिलाई जाती है, उस पर पूरा अंकुश लगाया जाएगा। मैं मानता हूँ अभी कांस्टेबलों की थोड़ी कमी है, यहाँ नहीं हर स्टेट में सारे स्टेट में ही कमी है, लेकिन अभी जल्दी ही भर्ती की गई है और करने जा रहे हैं, तो पुलिस बल है सुचारू रूप, मतलब जो भी कमी हो दूर की जाएगी। इसमें खासकर शहर के एरिया में जगह जगह जैसे अनाज मंडी है, सब्जी मंडी है, कोई भी बाज़ार है, सभी एसोसिएशन के साथ मीटिंग की जाएगी और सबको सबके सहयोग से जहाँ जहाँ भी ये लगेगा यहाँ CCTV कैमरे लगाने ज़रूरत है वो लगवाएंगे। इससे पहले पुनाना में मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ पर साइबर क्राइम का काफ़ी प्रचलन था और हमें पीछे संयुक्त रेड भी की थी, उसमें काफ़ी सफलताएं मिली थी। यहाँ भी इसको विशेष एक पखवाड़ा चला के इसको साइबर क्राइम को बिल्कुल नष्ट किया जाएगा।